अगर आपको लगता है कि आपकी बाइक की क्लच खराब हो गई है या होने वाली है तो आप अपने घर पर कैसे पता कर सकते हैं, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। मेरा नाम है रिकी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लेते हैं। चलिए बगैर देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लच को चेक करने के लिए सबसे सिंपल है कि आप अपनी बाइक को डबल स्टैंड पर खड़े करके बाइक को स्टार्ट कर लें और उसके बाद जो है क्लच को प्रेस करने के बाद आप एक नंबर दे दें। बाइक को एक नंबर पर देने के बाद आप जो है सिंपल ऐसे ब्रेक अगर दाबते हैं तो अगर आपकी बाइक इस तरह से बंद हो जाती है तो आपकी बाइक की जो क्लच है ठीक है। अगर इसे दबने के बाद भी अगर आपकी बाइक बंद नहीं होती है, बाइक चल रही है, बाइक का इंजन स्टार्ट है, तो आप समझ जाइए कि आपकी बाइक की क्लच में प्रॉब्लम है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे। इसके बाद अगर आपकी बाइक में क्लच की प्रॉब्लम अगर आपकी होगी तो आप जब इसे प्रेस करिएगा उसके बाद जो है गियर दीजिएगा तो एक एक झंझनाहट आएगी, एक मतलब कि तोड़ने पर लगेगा कि कुछ रुक रहा है, तो समझ जाइए कि आपको जो है क्लच की प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि आप फंक्शन आपकी जो है क्लच कितना कर रही है, कितने पर जो है आपकी बाइक मूव हो रही है, आगे बढ़ रही है, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाइक का क्लच टाइट होना है वायर को या आपकी बाइक की जो है क्लच उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तीसरी बात कर लेते हैं कि अगर आप अपनी बाइक को स्टार्ट किए हैं और आप जो है थर्ड नंबर पर बाइक को देने के बाद जो है पूरी तरह से क्लच जो है पूरी तरह से रिलीज़ कर दिए हैं और आपकी बाइक जो है बढ़ नहीं रही है लेकिन तब पर भी आपकी जो है बाइक स्टार्ट है तो आप समझ जाइए कि आपकी क्लच जो है इंगेज हो रही है जिसके कारण से जो है आपकी बाइक आगे नहीं बढ़ रही है। तो उससे भी आप समझ जाइए कि आपकी जो है क्लच में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप कैसे उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे उसे ठीक कर सकते हैं, तो चलिए आपको आगे बताते हैं। अगर आपकी बाइक आगे नहीं बढ़ रही है तो आप समझ जाइए कि इसकी जो सेटिंग है ये ऊपर में होती है, मेरे पास अभी कुछ खोलने का टूल्स नहीं है, इसके ऊपर एक बोल्ट होगा उसे आप थोड़ा लूज़ कर लें, ठीक है, या उसे टाइट कर लें। दोनों कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं, आप अपना क्लच का फंक्शन देख के कर सकते हैं कि कितनी उसकी फंक्शन है, उस हिसाब से जो है आप इसे टाइट या लूज़ कर लें जिससे कि आपकी जो है क्लच अच्छी तरह से काम करने लगेगी। अगर आपकी क्लच प्लेट अंदर से प्रॉब्लम अगर है तो आपको जो है इसे खुलवाना पड़ेगा, लेकिन आप घर पर सबसे पहले इस तरह से चेक जरूर कर लें, उसके बाद ही जो है आप मैकेनिक के पास जाएं, क्योंकि मैकेनिक क्या करता है अगर आपकी बाइक में क्लच ख़राब नहीं है तब पर भी उसे जो है चेंज कर देता है और पुराने वाली अपने पास रख के किसी और बाइक में जो है वो चिपका देता है जिससे कि आपको जो है पैसा खर्च हो जाता है अपनी बाइक में और वो उसका काम भी नहीं होता। तो जब भी आपको लगा कि आपकी बाइक में क्लच की प्रॉब्लम है तो आप जो है इस तरह से एक बार चेक जरूर कर लें। ये जो आप पैशन प्लस देख रहे हैं इसे मैं 16 सालों से चला रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से मैं इसे चलाता हूँ कि अभी तक ये जो है पूरी न्यू लग रही है और इसके साथ ही इसका जो इंजन है पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करता है, इसका जो पिकअप है नई वाली से ज़्यादा देता है और इसका माइलेज भी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट उसके बराबर है। अगर आपकी इसकी माइलेज की वीडियो चाहिए तो जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप जो है इसकी माइलेज की वीडियो बना दें, मुझे 1 से 2 दिन लगेगा, मैं उसका जो वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूँगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहनें और सुरक्षित ड्राइव करें।